देखिए, इनको पंढरीनाथ भी कहा जाता है। पंढरीनाथ क्यों? वैसे इनका रियल जो पहले जो नाम था वो पुंडरीक नाथ था, परंतु अब भ्रंश होकर के यह पंढरीनाथ नाम पड़ा है। पुंडरीक जी भगवान के ही भक्त हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार पुंडरीक जी को यात्रा करने का बड़ा चाव था, तो वो यात्रा करते रहे। एक दिन एक विप्र के घर में उन्होंने शयन किया रात को, तो देखा कि सारी की सारी अलौकिक दिव्य शक्तियां उस विप्र के घर जो है सेवा कर रही हैं, अलौकिक अलौकिक शक्तियां, और वो जो विप्र है वो आराम से शयन कर रहे हैं। जब पूछा उन्होंने, इन्होंने पुंडरीक दास ने, कि आप लोग सब कौन है, तो किसी ने बताया मैं गंगा हूं, किसी ने बताया मैं प्रयाग हूं, किसी ने बताया मैं अमुक देवता हूं। तो उन्होंने कहा वाह आप लोग कैसे, बोले ये अपने माता पिता के अपने माता पिता के इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, उनकी निरंतर सेवा करते हैं, और इनके माता पिता का श्री ठाकुर जी में बड़ा प्रेम है, तो इनकी माता पिता की सेवा की निष्ठा देख करके हम इनकी सेवा करने के लिए पहुंचते हैं। जब ऐसा सुना तो अपने माता पिता के अपने जो पुंडरीक जी हैं, उन्होंने अपने उन्होंने यही सोचा कि अरे वाह कितनी बढ़िया सुविधा है, अपने माता पिता की सेवा करके इनको कितना बड़ा फल प्राप्त हो रहा है उनको। फिर वो अपने घर वापस आए। आने के बाद जब वे आए तो अपने माता पिता की इतनी बढ़िया उन्होंने सेवा करी, उनको सर्वस्व माना और माता पिता की सेवा करी, और माता पिता ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। एक बार क्या हुआ, इनकी माता पिता की सेवा की निष्ठा देख करके साक्षात द्वारिकाधीश श्री भगवान संत रुक्मिणी जी के प्रस्तुत हुए, और जब वे आए रुक्मिणी जी के साथ तो ये उस समय अपने पिताजी की सेवा कर रहे थे। तो जब वे आए तो इन्होंने क्या किया, दरवाजे से कहा अरे पुंडरी मैं साक्षात द्वारिकाधीश तुझे दर्शन देने आया हूँ, देख साक्षात रुक्मिणी जी भी आई है। तो उन्होंने कहा प्रभु आप आए हैं, बोले हाँ, बोले अभी आप रुक जाइए, मैं अपने अपने पिताजी की सेवा खत्म करके ही आपके दर्शन करूंगा। थोड़ी देर बाद बोले अरे पुंडरीक बहुत देर हो गई, हम ऐसे नहीं आते दर्शन करने, देख मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है। तो कहा प्रभु मैं तो अपने पिताजी की सेवा करने के बाद ही आऊंगा आपका दर्शन लेने, आपको किसने बुलाया बताइए, आप स्वयं ही तो आए हो। ऐसा कहकर के जब पिताजी के अपने पिताजी की सेवा उन्होंने खत्म कर ली, तब देखा तो श्री भगवान ने अपने दोनों हाथ जो है कमर पर लगा रखे, दोनों हाथों को कमर पर लगा रखा और कहा देख मेरी कमर में कितना दर्द है। जब इन्होंने श्री भगवान के दर्शन किए तो ये गदगद हो गए और कहा प्रभु आपकी जय हो। उन्होंने कहा वत्स तेरे माता पिता की सेवा निष्ठा को देख करके मैं अति प्रसन्न हूं, इसलिए तू मुझसे वर मांग ले। उन्होंने कहा प्रभु अगर आप वर देना चाहते हो तो आप आते हुए तो अच्छे लगते हो पर जाते हुए अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए आप यहीं रुक जाइए। तब एक स्वरूप से अपने दोनों अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए वहां पर श्री पंढरीनाथ भगवान प्रस्तुत हो गए, और आज भी पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ जी निवास करते हैं। पंढरपुर में जो श्री भगवान है, पूरे के पूरे भारतवर्ष में ऐसा एक ही मंदिर है जहां ठाकुर जी के गर्भगृह में जाने की सुविधा है और ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करने की सुविधा है, इसलिए वहां पर जाकर के लोग ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करते हैं। नित्य लाखों लाखों लोग वहां पर पहुंचते हैं पंढरीनाथ भगवान के दर्शन करने। इनको विठ्ठलनाथ भी बोला जाता है। विठ्ठलनाथ क्यों? विठ्ठलनाथ इसलिए बोला जाता है, वैसे इनका नाम इठ्ठलनाथ है, क्योंकि जब वे पुंडरीक भक्त को दर्शन देने के लिए आए तो जब वेट करने के लिए उनको कहा तो एक ईंट सरका दी उन्होंने कि ठाकुर जी आप इस पे खड़े हो जाइए थोड़ी देर, अभी इस पर बैठ जाइए मैं फिर आ रहा हूँ। तो ठाकुर जी बैठे नहीं खड़े ही रहे उस पे, इसलिए वो ईंट के सहित श्री भगवान का विग्रह है, इसलिए इठ्ठलनाथ। कई कई जो महाराष्ट्र के अंदर जो मराठी अभंग है इनके, उसमें विठ्ठल की जगह इठ्ठल शब्द का भी प्रयोग हुआ है, पर वर्तमान में उस विठ्ठल को अपभ्रंश करके इठ्ठल को अपभ्रंश करके विठ्ठल हो गया। क्यों? क्योंकि मराठी में भगवान विष्णु को विठ्ठो कहते हैं, विठ्ठू, इस कारण से इठ्ठलनाथ का विठ्ठलनाथ हो गया।
इसीलिए विठ्ठलनाथ भगवान जो है आज भी, अच्छा लोग जाते हैं तो उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, तो चरणों को स्पर्श करते करते कितने साल हो गए, बहुत युगों की बात है, तब से लेकर के अब तक इनके जो चरण हैं वह घिस गए। जो भारतवर्ष में गर्भगृह में जाकर के श्री भगवान के विग्रह के जो चरण स्पर्श करने का जो मौका है वो वही प्राप्त होता है। अच्छा क्या इस श्री नामदेव जी जो है इनकी कथा बड़ी प्रसिद्ध है। पंढरपुर में जो पंढरपुर में एक छापा करने वाले जो कपड़ों पे छापे करते हैं ना, तो छापा करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वामदेव। अच्छा वामदेव जब थे तो क्या हुआ, उनका श्री भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग था, बहुत अनुराग था। उनकी कन्या थी, कन्या का नाम था गौणाई। वामदेव के घर श्री हरिदेव जी विराजमान थे, गोवर्धन वाले हरिदेव जी नहीं, उनके खुद के ही ठाकुर जी का नाम हरिदेव रख रखा था उन्होंने। तो क्या कहते हैं, वहां पे उनकी बेटी का नाम गौणाई था। जब गौणाई की शादी बालपन में ही कर दी, तो गौणाई की शादी जब हो गई तो गौना से पहले, गौना मतलब एक बार जब वधु चली जाती है ससुराल तो उसके बाद अगले दिन या उससे अगले दिन वापस आती है, उसको गौणा कहते हैं। तो गौने से पहले इनके पति की मृत्यु हो गई। जब पति की मृत्यु हो गई तो फिर ससुराल वालों ने मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं रहेंगी, तो ये अपने पिता वामदेव जी के पास रहने लग गई। जब वामदेव जी के पास रहती तो ये बड़ी दुखी रहती। अब दुखी रहती तो वामदेव जी कहते, बेटी दुखी क्यों हो? तो इन्होंने कहा कि मेरा जीवन नष्ट हो गया है, अब मैं क्या करूं। तब वामदेव जी ने कहा, करी गोपाल की सब होई, जो आपनो पुरुषार्थ मानो सब झूठो है सोई। करी गोपाल की सब होई, जो श्री भगवान चाहते हैं वही होता है, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता। इसलिए देख मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, सच्चे पति जो हमारे हैं वो श्री भगवान विट्ठल हैं, इसलिए तू विट्ठल जी को ही अपना पति मान ले, विट्ठल ही हमारे पति हैं। मन तेरो साचो यार, ब्रजराज कुमार। मन तेरो साचो यार, ब्रजराज कुमार। जाके होठ लाल लाल ऐसा है, लेकिन आज तक जिसको भी श्री भगवान मिले हैं वो पूर्ण मिले हैं, उनका ये महावाक्य है। तो क्या हुआ, तो इन्होंने कह दिया। अच्छा उन्होंने एक बात और भी कही थी, देखो गुरु नानक देव जी कहते हैं, बड़े बड़े जे दीसत लोग, तिनको सतावे चिंता रोग। बड़े बड़े जो बड़े बड़े सेठ हैं उनको भी रोग चिंता इत्यादि सताता है, इसलिए ये अच्छा है तेरे पे ये जिम्मेवारी नहीं है। अपने पिता के साथ सेवा में भी बैठती और ठाकुर जी के भजन कीर्तन इत्यादि में उनकी बहुत रुचि हो गई, निरंतर श्री भगवान का चिंतन। एक बार क्या हुआ, गौणाई की एक सहेली ही बचपन की आई, जब आई तो उसके हाथ में उसका पुत्र था। जब देखा तो गौणाई ने पूछा, अरे ये कौन है? तब उसने कहा, ये मेरा पुत्र है, जानते हो जो विवाह है उसकी साफल्यता क्या है? बोली क्या है? विवाह की साफल्यता है संतान, विवाह की साफल्यता संतान है। अब मेरे पास तो संतान है, तो ये मेरा पुत्र है, मैं सफल, मेरा विवाह सफल है। इतना कहते ही जब वह चली गई तो गौणाई को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, मैं तो जीवन में अधूरी रह गई, मुझको तो बच्चा चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था कि परम पति जो है वे श्री विट्ठलनाथ भगवान है, इसलिए निरंतर सेवा। और अब तो ठाकुर जी से एक प्रार्थना, ठाकुर जी मुझको संतान की प्राप्ति होवे, मुझको संतान की प्राप्ति होवे। ठाकुर जी का निरंतर चिंतन, निरंतर ठाकुर जी का ही चिंतन करने लगी। जब ऐसा हुआ तो एक बार क्या हुआ, जब अतिशय हो गया ठाकुर जी के चिंतन करते करते, जब एक कामना युक्त थी, कामना थी इनके अंदर पुत्र की, और ठाकुर जी के हृदय, ठाकुर जी के लिए भी विशेष प्रेम था, तो है ना, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम 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 वेद पुराण साधु सुर साखी, राम 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 सदा सेवक रुचि राखी। सदा भगवान ने सेवक की जो रुचि है उसको रखा है,
सेवक की रुचि के अनुसार ही श्री भगवान ने जो है अपनी लीला दिखाई है। देखो साइंस भी कहता है, साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है कि साइंस कहता है साइंस डोनेट, साइंस कहता है साइंस डोनेट दैट वन ऑफ योर मेनी ओपिनियंस मस्ट कम ट्रू इन अ डे। 24 घंटे में अगर हमारा कोई ओपिनियन है, अगर हम किसी का चिंतन करते हैं या कुछ सोचते हैं, उनमें से एक वाक्य सत्य होता है, यह साइंस भी कहता है। इसी कारण ये तो निरंतर श्री भगवान का ध्यान करती, चिंतन करती और मन में यह कामना। इसीलिए एक दिन क्या हुआ, साक्षात विठलनाथ प्रकट हुए और अपना स्पर्श इनको किया है, गौणाई मैं तेरा साचा पति हूं, मैं ही तेरा पति हूं। तो हाथ रख दिया गौणाई पे और गौणाई के जैसे ही हाथ रखा तो वह साक्षात गर्भवती हो गई। जब गौणाई गर्भवती हो गई तो क्या हुआ, जब ये कुछ दो महीने ऐसे कुछ हुए तब इसकी आई सहेली देखा, पूछा गौणाई इसका देखा हाव भाव अलग कुछ है। तब कहा गौणाई तेरे तो हाव भाव बहुत अलग लग रहे। कहते हाँ मैं गर्भवती हूं। उसने कहा तू गर्भवती कैसे हो गई, तेरा तो पति मर चुका है। तब उन्होंने कहा कि साक्षात मेरे पति साक्षात विठलनाथ जी हैं, इस कारण से मैंने उनको पति माना है और यह संतान उन्हीं की है। तब क्या हुआ, इन ये सारी बात सारे के सारे सब जगह फैली तो इनके पिता वामदेव के कानों में गई। तब वामदेव ने कहा तू बता तूने क्या कृत किया है, तू बता तू कहां गई थी। तब इन्होंने कहा मैं विठलनाथ के हाथ विठलनाथ को स्पर्श करके सौगंध खाती हूँ कि ये विठलनाथ ही मेरे पति है और ये उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद है। तब इनको कहा, तब ये रोने लग गए। रात को सोने पर साक्षात विठलनाथ वामदेव जी के सपने में आए, कहा वामदेव जी ये साक्षात मेरा प्रसाद है, आप इस पर शक मत कीजिए। इस कारण से जब आए तो उठे वामदेव जी, आकर के बेटी के चरणों में प्रणाम किए, धन्य हो ठाकुर जी ने तेरी वांछा को पूर्ण कर दिया। इस कारण से अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे तू चिंता मत कर। तो भैया 2327 संवत एकादशी को रविवार के दिन साक्षात गौणाई के गर्भ से श्री नामदेव जी का प्राकट्य हुआ है। ये भगवान का प्रसाद ही है। जब नामदेव जी का प्राकट्य हुआ, देखिए नामदेव जी के विषय में क्या लिखा है, नामदेव जी के विषय में लिखा है नामदेव प्रतिज्ञा निभही जो भक्त नरहरी दास की। नामदेव जी की एक विशेषता थी जो प्रहलाद जी में थी। प्रहलाद जी में क्या विशेषता थी, जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाल कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। सारे के सारे विश्व में वे साक्षात श्री हरि का दर्शन करते, यही इन्हीं का स्वरूप है, यही करते। ये भी इन्होंने भी सभी में श्री भगवान का दर्शन किया है। तो क्या हुआ, ऐसे करते करते जब इनका हुआ तो इनका सारे के सारे नामदेव जी के संस्कार हुए। जब संस्कार हुए तो ब्राह्मणों ने कहा इनका पति कौन है। तब सेवा ही की पट पहिरा में पुनी भोग को लगा वही। अब सारे के सारे जब ये रोज जब यही खेलने लग गए तो पूछा इनसे, जब पूछा इनके दोस्तों ने क्या यार नामदेव रोज की रोज यही वाला खेल खेलता है तू, बता और कोई खेल नहीं है क्या। तो इन्होंने कहा अरे, वो बोले कि अरे और खेल खेल करके तो पता नहीं कितने जीवन बीत गए, लेकिन इस समय यदि जीवन को सुधारना है तो खेल यही खेलना चाहिए। इसीलिए जैसे प्रहलाद जी ने अपने दोस्तों को शिक्षा दी, इन्होंने भी अपने दोस्तों को शिक्षा दी। बक्सर वाले मामा जी हुए शिल नारायण दास जी, वो बक्सर में विराजते शिष्यानुज उनको कहा जाता है। उनका एक बहुत सुंदर पद भजन है, बहुत सुंदर पद है, वो गाते हैं कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, अरे कैसे बीतेगी रे तेरी कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, अरे कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। अरे सहिन सख्यो जब कष्ट गर्भ को किया था कॉल करार, जब पेट में थे माँ के तब चिल्लाए थे हम लोग प्रभु बुला बुला लो जल्दी निकालो इस नर्क से, जल्दी निकालो आपका भजन करेंगे भजन।
को किया था कॉल करार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार। जब नरक से पार हुए तो क्या हुआ, हम तो भूल गए। अरे वादा भूलो रे बेमनवा, कैसे बीतेगी प्रभु कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। बच्चे हुए हम लोग, क्या किया, अरे बालापन हंसी खेल गवाया, आई मस्त जवानी, मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने गुमानी, बन गए सजनी के सजनवा, कैसे बीतेगी कबू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। हो गया, होने के बाद विषयों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने, अरे बालक थे फिर बाप कहा, अब बाबा लगे कहाने, आ गयो नियरे चौथे पनवा, कैसे बीतेगी, आ गयो नियरे चौथो पनवा, कैसे बीतेगी। अरे कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। हो गए कुत्ते, फिर अब शिक्षा क्या दे रहे हैं, अरे अब भी सोच समझ ले मूर्ख, करता मेरा तेरा, अरे कृष्ण भजन के बिना न तेरा होगा नहीं मेरा, अगर कृष्ण भजन नहीं किया तो, अरे लेंगे तेरी दंडन से खबरिया, कैसे बीतेगी तेरी दंडन से खबरिया, कैसे बीतेगी। दंडे लगाएगा ना जब, अरे कैसे बीतेगी ले तेरी, कैसे बीतेगी ले कबहू कियो ना भजन। संत कहते हैं जिनका बचपन प्रभुत्व है ना, उनकी जवानी शुद्ध है, और जिनकी जवानी शुद्ध है उनका बुढ़ापा सिद्ध है। इसलिए बचपन में ही हमें यही खेल खेलना चाहिए। नाना जी कहते एक बार क्या हुआ, जब नाना जी सेवा करते रहते, सेवा करते 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 इनका बहुत मन होता, कैसे कर रहे हैं ठाकुर जी की सेवा देखो, तो इनका मन होता। एक दिन बोले नाना जी से, नाना जी आप मुझे सेवा सौंप दो, क्यों आपका बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा आ गया है तो। बोले अब आप आराम करो बस, अब तो मुझे सेवा सौंप दो, सेवा सौंप दो। बोले हाँ सेवा सौंप दो। क्या बोलते हैं, नाना जी से नाम देव बार बार कही रहे, अपनी भांति मोको प्रभु की सेवा माही लीजिए, कहे तब वाम देव सुनो वत्स नाम देव, सेवा को न जानो भेव पूजा कैसे कीजिए। पहले तुम सीखो सेवा कैसे करते हैं, सीखो पहले, साथ मेरे रही के अभी सीखो पूजा गतिविधि, देखो जब निपुणता तब मेरो मन पसीजिए, छाप रहो वस्त्र अभी बाहर बेचन जाऊं जबी, तभी सौंपू सेवा पूजा प्रेम माही भीजिए। अभी तुम आराम से मेरे साथ सेवा सीखो, मैं तीन दिन के लिए जो छापे वस्त्रों पे छापे कर रहा हूँ ना, ये बेचने के लिए बाहर जाऊंगा, तब तुम तीन दिन के लिए सेवा संभाल लेना आराम से। लेकिन एक बात याद रखना, क्या बात, कि अगर सेवा में कुछ त्रुटि हुई ना, तो अगर ठाकुर जी को समय पे भोग नहीं लगाया तो मैं सेवा छीन लूंगा। बालक को भई सांत्वना और नाना को मन घोष, करत प्रतिज्ञा रात दिन बढ़त जोश अरुहोश। अब तो क्या हुआ, नामदेव जी बार बार देख रहे हैं, अरे कब जाएंगे ये नाना जी, अरे कब जाएंगे ये नाना जी, बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे, नाना जी कब जाओगे, नाना जी कब जाओगे। नाना जी से बेर बेर पूछे शिशु नाम देव, नाना जी बताओ बेगी बाहर कब जाओगे, ठाकुर जी की सेवा हेतु मन लल चावे मेरो, तीव्र अभिलाष मेरी कब लो पुराओगे। आप कब जाओगे बताओ ना, कब जाओगे, मेरी अभिलाषा है आप जल्दी से जाओ और कपड़े बेचने के लिए जाओ तो सही। जब इनका ऐसा देखा उत्साह, देख के तो हित्र के संस्कार भक्ति भाव पूर्ण, बोले ही हर्षी और लगन लगाओगे, छाप रहो वस्त्र अभी बाहर बेचन जाऊं तभी,
करके तब सेवा परम फल पाओगे। मैं जा रहा हूं, बस दो दिन की बात और नामदेव, फिर मैं जा रहा हूं तीन दिन के लिए। जब दो दिन हो गए तो क्या कहा इनसे वामदेव जी ने, देखो मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए ये ड्यूटी है क्या, कपड़ा बेचन बाहर जाऊं, बीत जाए दिन तीन, करी न सेवा ढंग से तो लूंगो सेवा छीन। अगर सेवा नहीं हुई ढंग से, अगर नहीं हुई सेवा ढंग से तो देख ले बेटा, छीन लूंगा मैं सेवा। तब ऐसा कहा तो नामदेव जी, अब देखो नामदेव जी, देखो महाराज सुबह ठाकुर जी को उठाना है, शयन कर रहे हैं ठाकुर जी, उठाना, इतना उत्साह नामदेव जी का, बार बार अपनी मैया से पूछ रहे हैं, उठे थोड़ी सी नींद लेके, मैया सुबह हो गई क्या? मैया ने कहा नहीं लाला, अभी कहां सुबह हुई है, सो जा थोड़ी देर बाद उठे। मैया सुबह हो गई क्या? तो मैया ने कहा अरे अभी कहां सुबह हुई है, रात हुई अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने पूछा, सो जा सो जा। फिर दोबारे ऐसे रात भर चैन नहीं की, सुबह ठाकुर जी का श्रृंगार करूंगा, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, इतना उत्साह। देखिए ये उत्साह बहुत जरूरी है, जैसे कर्माबाई को उत्साह था ना, कर्माबाई को जगन्नाथ जी रोज आते थे उनसे उनके यहाँ खिचड़ी पाने के लिए, जब जगन्नाथ जी को गोदी में बिठाती ना कर्माबाई तो क्या होता, अरे तन पुलकत मन कुलकत लावे नैना नीर झड़ी, हरि ने मांग मांग कर खाई कर्माबाई की खिचड़ी। अरे कौन समझ सकता ये हरि की लीला अजब बड़ी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्माबाई की खिचड़ी। तो उत्साह था ना इस कारण से, तो क्या हुआ नामदेव जी का, देखो फूलो ना समावे नाम देव अति हर्ष हिए, नाय धोय तिलक छाप माला मुद्रा धारी है, पूजा की सामग्री लेके पहुंचो जब मंदिर माही, तो सुध बुध गई छवि हरी प्यारे की निहारी के। ठाकुर जैसे बिल्कुल रेडी होकर के, धोती वोती महाराज बांध बूंद करके, बिल्कुल टिप टॉप होकर के ठाकुर जी के घर वहां पे गए मंदिर में। जब जाए गए तो ठाकुर जी को जगाया है, जागो वंशी जागो मेरे मोहन प्यारे, उठो नंद दुलारे, अजनी बीती भयो सवेरो घर घर खुली की बारे, उठो मेरे वंशी बारे उठो नंद दुलारे। महाराज जब गए तो अब कैसे ठाकुर जी भोग लगाएंगे, अब इसकी लीला हम लोग कल सुनेंगे। वांछा करते करते तो खोल के रखा है वो, वो तो भी देख रहे हैं कब गाएंगे, नहीं तो उसको भी नींद नहीं है। बोलो बोलो, अरे बोलो, समय है बहुत, गाओ समय बहुत है। मन चल रे वृंदावन